हेलो, आज इस लेक्चर के अंदर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पुराने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके पास है। देखो, पार्ट वन के अंदर हमने पहले 15 क्वेश्चंस के बारे में जाना था। इस लेक्चर के अंदर भी हम 15 प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is not valid for the oxyacids of the phosphorus। आपको ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ए बी सी डी में से आपकी गलत है oxyacids of phosphorus के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑल oxyacids contain tetrahedral four coordinated phosphorus। बिल्कुल सही है, जितने भी oxoacid हैं, चाहे वो सल्फर का है, फॉस्फोरस का आपके पास है, सबके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं। और टेट्राहेड्रल है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास बनते हैं, चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास बनते हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगला क्या कहता है, ऑल oxoacids कंटेन एटलीस्ट वन PO बॉन्ड यूनिट एंड वन POH बॉन्ड आपके पास। बिल्कुल सही बात है, जितने भी ऑक्सो एसिड हैं उसके अंदर एक पीओ बॉन्ड आपके पास होता है और हर एक के अंदर एक पीओएच बॉन्ड आपके पास होता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट आपके पास है। अगला देखो क्या कहता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाला देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज अ डाइप्रोटिक एसिड, ये आपके पास गलत है। आपको पता है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड आपके पास कैसा होता है, मोनोप्रोटिक आपके पास होता है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास एक OHPOH, एक POH बॉन्ड आपके पास उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपके पास सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, गलत पूछा, और इन चारों में से गलत क्या है, डी आपके पास। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इन चारों में से SO3 आपको कहाँ से मिलेगा। देखो पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने सल्फर को डाला है, जब भी सल्फर को डालते हो क्या बनता है, आपके पास SO2 रिएक्शन आपके पास बनती है, और प्लस में क्या है, वाटर आपके पास बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन आपके पास है, सल्फ्यूरिक के अंदर आपने PCl3 आपने डाला है, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर PCl3 डालते हैं तो क्या बनता है आपके पास, SO2Cl2 आपके पास बनता है। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, H3PO3 आपका बाहर निकल जाता है, H3PO3 आपके पास बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन क्या कहती है, आपने कार्बन डाला, ठीक है, किसके अंदर, कैल्शियम सल्फेट के अंदर डाला, तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पर भी आपके पास SO2 गैस है वो आपके पास बाहर निकलती है, SO2 आपके पास निकलेगी, प्लस में आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बनता है, मतलब CaO आपके पास बनता है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर बाहर निकल जाती है। ठीक है, लास्ट वाला देखो, आपके पास फेरिक सल्फेट आपके पास है, फेरिक सल्फेट के अंदर क्या है, आपके पास फेरिक ऑक्साइड आपका बाहर निकलता है, प्लस में आपके पास SO3 गैस है वो आपकी इवेल्युएट हो जाती है बाहर। तो इसने क्या पूछा था, सल्फर ट्राई ऑक्साइड आपको कहाँ से मिलती है, तो देखो पहले में SO2 मिला है, अगले में आपको H3PO3 प्लस SO2Cl2 बना है, आगे में आपके पास CaSO4 के अंदर कार्बन आपके पास मिला, SO2 आपका बना, लास्ट वाले के अंदर क्या बना है, SO3 आपके पास बना है, प्लस में क्या निकलता है आपके पास, फेरिक ऑक्साइड आपके पास निकलता है, Fe2O3 आपके पास यहाँ पर क्या है, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपके पास। अगला देखो क्या कहता है, आर्गन इज यूज्ड, किसके लिए आर्गन को यूज़ किया जाता है, बताओ किसके लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर वेल्डिंग करने के काम आता है आपके पास। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द फंक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, FeO3OH3 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, आपके पास क्या है, टू डिटेक्ट द कोलाइडल इम्प्योरिटी,
टू रिमूव मॉइस्चर, टू रिमूव डस्ट पार्टिकल और टू रिमूव आर्सेनिक इम्प्योरिटी. हम फेरिक हाइड्रोक्साइड को किसके लिए यूज़ करते हैं, जो आपके पास आर्सेनिक इम्प्योरिटी है उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. आप 12th क्लास के अंदर चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ोगे, ठीक है. तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, डी आपके पास. ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज, आपको बताना है ज़्यादा एसिडिक क्या है. देखो आपके पास क्या है, As2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड है, फॉस्फोरस का ऑक्साइड आपके पास है, ठीक है. इधर आपके पास एंटीमनी का है, इधर आपके पास बिस्मिथ का है. सारे ऑक्साइड आपके पास दिए हुए हैं, आपने पढ़ा भी है. जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज आपके पास हो जाती है, ठीक है. डिक्रीज होगी तो इसका मतलब ऊपर वाले की क्या होगी, सबसे ज़्यादा. तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपके पास P2O5 की आपके पास सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आपके पास होगी. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ, P2O5. मतलब आंसर क्या हो गया आपके पास, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एटम्स इन अ P4 मॉलिक्यूल ऑफ वाइट फॉस्फोरस आर अरेंज रेगुलरली इन द फॉलोइंग वे. P4 कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल आपके पास होता है. P4 कैसा है, टेट्राहेड्रल है. देखो पहला क्यूब, अगला ऑक्टाहेड्रल, आगे आपके पास टेट्राहेड्रल, इधर भी टेट्राहेड्रल. अब आपको ये देखना है P4 मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ पर फॉस्फोरस हमेशा क्या होता है, टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, सेंटर पर कभी भी नहीं होता, ठीक है. तो आपके पास 6th का आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला देखो क्या कहता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2S2O3 ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स. जब भी Cl2 की आप Na2S2O3 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास क्या बनता है, सोडियम बाइसल्फेट हमेशा आपके पास बनता है. आपने अपनी NCERT के अंदर इस रिएक्शन को पढ़ा भी है, ठीक है. आगे देखो, द एंगुलर शेप ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, आपको ये बताना है ओजोन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने पाई बॉन्ड आपके पास होते हैं. कितने होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 आपके पास पाई बॉन्ड होता है. इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 सिग्मा 2 पाई नहीं होते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और पाई बॉन्ड सिर्फ 1 आपके पास होता है. 1 क्योंकि आपके पास क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है. अब देखो अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ द ट्रेंड इंडिकेटेड अगेंस्ट इन. आपको ये बताना है ABCD में से कौन सा गलत इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है. तो देखो पहला क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता रखा है, सारे के सारे हैलोजन्स के बारे में बता रखा है. हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास जैसे जैसे नीचे जाते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. आपके पास क्योंकि न्यूक्लियर से डिस्टेंस क्या हो जाती है, आपके पास बढ़ती चली जाती है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो जाती है. इसका मतलब ए आंसर आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, मतलब ये सीक्वेंस आपका सही है, ठीक है. अगला देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास क्या है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, क्लोरीन की, उसके बाद Br2. ये करेक्ट ऑर्डर आपके पास नहीं है, ये गलत आपके पास दे रखा है, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जैसे नीचे जाते हो आपके पास क्या है, डिक्रीज होती है रेगुलर ट्रेंड के अंदर. इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही दे रखा है. ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती है, डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो. तो यहाँ पर इररेगुलर पैटर्न किसका दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का दे रखा है. इसका मतलब क्योंकि आपको क्या पूछा था, करेक्ट ऑप्शन नहीं है जो आपके पास, करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है. तो सही आंसर क्या हो जाएगा 9th के लिए, बी आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है. अब देखो अगला क्या कहता है, द 4 स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, HCO3 नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, HSO3F आपके पास. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ. आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर आपके पास, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम आपके पास होगी. देखो अगर आपसे किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है तो आप क्या कहते हो, जो आपके पास इजीली क्या दे दे, आपके पास H पॉजिटिव को इजीली निकाल दे, ठीक है. और एसिड कौन आपके पास ज़्यादा होता है, जितना इजीली आपके पास कंजुगेट बेस बनता है. यहाँ से करोगे तो क्या बनेगा, CO इधर आए आपके पास 3, ऊपर क्या आ जाएगा 2, नेगेटिव आपके पास चार्ज हो जाएगा,
ठीक है, इसका मतलब यहाँ देखोगे यहाँ आपके पास वाटर निकलेगा, इधर आपके पास सल्फेट निकलेगा, इधर SO3F नेगेटिव आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, जिसका कंजुगेट बेस क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। यहाँ आप सारे फैक्टर देखते हो, हाइपर कंजुगेशन का भी फैक्टर देखोगे अगर आपके पास है तो, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखोगे, रेजोनेंस इफेक्ट भी देखोगे, सारे के सारे फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, ये हम ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ेंगे आपका दोबारा से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा आपके पास स्टेबलाइज कौन सा होता है, SO3F नेगेटिव आपका सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कंजुगेट बेस होता है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, कार्बोनेट आपके पास है, सल्फेट है, इधर वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सबसे स्टेबलाइज है इसके बाद आपके पास, इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा फोर्थ वाले की, इसके बाद आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, H3O पॉजिटिव की हो जाएगी, फटाफट से H पॉजिटिव निकालेगा और वाटर आपके पास क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है, उसको बाहर निकाल देगा। तो सबसे ज़्यादा देखो फोर्थ की सबसे ज़्यादा, इसका मतलब यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, सेकंड पे किसकी आपके पास आता है, वाटर ज़्यादा स्टेबलाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हो, इधर आपके पास कार्बोनेट है, इधर आपके पास सल्फेट है, सल्फेट के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी भी क्या है, सल्फेट कंजुगेट बेस की ज़्यादा होती है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन पे क्या आता है, आपके पास थर्ड आएगा, सबसे लास्ट में क्या बनेगा, आपके पास कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका HSO3F की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद H3O पॉजिटिव की हो जाएगी, फिर HSO4 नेगेटिव की हो जाएगी, लास्ट में आपके पास किसकी होगी, HCO3 नेगेटिव, मतलब डी ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, हीलियम इज यूज्ड इन बलून्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट इज, हम हीलियम आपके पास बलून्स में हीलियम भरते हैं, हाइड्रोजन नहीं भरते, रीजन क्यों होता है, क्यों भरने का रीजन होता है, क्यों, सबको पता है हीलियम क्या होती है, इनकम्बिशेबल गैस होती है, इसीलिए आप क्या करते हो, हीलियम को प्रेफर करते हो भरना, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या है, विच इज द मोस्ट इजीली लिक्विफिएबल रेयर गैस, जो इजीली लिक्विफिएबल हो जाती है रेयर गैस कौन सी है, जीनोन आपके पास होती है, तो सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अगर आप नॉर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हो, सिंपल एक एटम का दे रखा है, सभी ऑक्साइड सेम ऑक्साइड आपको दे रखे होते हैं, तो आप क्या कहते हो, जैसे जैसे नीचे जाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। दूसरा आप किसके बेस पे कहते हो, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे कहते हो। तीसरा क्या है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपके जितने कम ज़्यादा आपके पास बढ़ते चले जाते हैं, तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, उस पर्टिकुलर ऐसे मतलब जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही ज़्यादा होती है। या फिर आप ये कहो, सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो एक आपके पास है कि दो ऑक्सीजन आपके पास इधर अटैच हैं, ठीक है, इधर देखोगे OH को सेम कर लो, इधर आपके पास तीन है, इधर आपके पास एक है, इधर आपके पास एक भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ अटैच होंगे, मतलब तीन ज़्यादा हैं, तो आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि इस केस में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आता है, आपके पास सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका मतलब तीन वाले की सबसे ज़्यादा, फिर टू वाले की हो जाएगी, फिर वन वाले की हो जाएगी, फिर आपके पास नॉर्मल की हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी आपके पास प्लस वन आपके पास आएगी, ठीक है। इधर प्लस वन है, OH के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इस पे प्लस वन हो गई। इधर ऑक्सीजन के लिए दो होता है, माइनस टू, माइनस वन OH का आ जाएगा, तो कितनी बन जाएगी, इधर तीन बन जाएगी, इधर करोगे तो आपके पास फाइव बन जाएगी, इधर करोगे तो सेवन बन जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपके पास सही आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सोइल,
इन आपको ये बताना है कि अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो इनमें से किस फर्टिलाइज़र का रेगुलर यूज़ करने पे सोयल की एसिडिटी आपकी बढ़ती है, किसकी वजह से बढ़ती है, अमोनियम सल्फेट की वजह से बढ़ती है हमेशा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, 14th का ए आपके पास हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वीडियो का, द परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इन द ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पी पी बॉन्ड्स इन पी फोर इज, आपको पी करेक्टर बताना है। देखो पी फोर है, पी फोर की शेप कैसी होती है आपके पास, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होती है, एस पी थ्री आपके पास होती है, एस पी आपके पास हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, थ्री। अब देखो एस करेक्टर है, एक एस ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो 25% क्या है, एस करेक्टर है, उसका 3% किसका है, पी ब्लॉक का है, इसका मतलब 75% क्या है आपके पास, पी करेक्टर है, 25% क्या है, एस करेक्टर आपके पास है sp3 के अंदर। तो आपसे पूछा क्या है, पी करेक्टर आपसे पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी करेक्टर जो आपके पास है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो पी करेक्टर कितना हो जाएगा, 75% आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे, अगर इसमें से आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आ रखा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे इस वाले वीडियो के अंदर आपके पास। तो बने रहिएगा, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।